वेलकम बैक टू कटारियास इंडियन किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की बेकिंग क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी से मैंगो टी टाइम केक की रेसिपी। ये मैंगो टी टाइम केक हमने बिना किसी मैदे, बिना किसी आटे का यूज़ करके बनाया है और इसे हमने एगलेस बनाया है। और इस केक को बिल्कुल आसान तरीके से मैंगो के साथ सूजी का कॉम्बिनेशन करके हम बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया बनता है ये केक। एक बार आप इस केक को इस तरीके से ज़रूर बनाइए, टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग आता है इसका। साथ ही काफ़ी सॉफ्ट एंड मॉइस्ट केक ये बनके तैयार होता है। तो चलिए फिर इस मज़ेदार केक को बनाना शुरू करें। इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो मैंगो लिए थे, जिसे इस तरीके से रफली बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, क्योंकि हम वैसे भी सारी चीजों को ग्राइंड करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे अल्फांसोस मैंगो का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी मैंगो अपने पसंद का ले सकते हैं। यहाँ पर आप एक हम ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और इसमें डालेंगे ये सारा मैंगो जो हमने कट करके रखा था। इसी के साथ इसमें डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे टोटल हमने जो सूजी का इस्तेमाल करना है वो 1.5 कप लेना है। आप कोई भी बारीक या फिर जो मोटी वाली सूजी होती है वो भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। तो मैंने यहाँ पे टोटल 1.5 कप सूजी का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ यहाँ पे ना 1/2 कप हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो इसमें 1/4 कप बटर एंड 1/4 कप ऑयल मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 3/4 कप चीनी। तो नॉर्मल चीनी ही मैंने डाली है, क्योंकि सारी चीज़ों को हम वैसे भी ग्राइंड करने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे 3/4 कप चीनी इसमें बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। और मैंगो अगर आप जिसे इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा खट्टा है, तो हो सकता है आपको 1-2 टेबल स्पून चीनी ज़्यादा डालनी पड़े। तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे ग्राइंड कर लिया। एकदम स्मूथ सा हमारा बैटर यहाँ पे तैयार हो गया है। तो अच्छे से अभी हमें इसे एक बार और ग्राइंड करना है। तो उसके पहले हम इसमें डालेंगे यहाँ पर मिल्क। तो मिल्क हमें जो है टोटल 1/2 कप इस्तेमाल करना है, लेकिन अभी के टाइम पे हम इसमें सिर्फ 1/4 कप ही मिल्क डालेंगे और इसे अच्छे से एक बार वापस से हम ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से इसे ब्लेंड करने के बाद हम इसे बैटर को अच्छे से निकाल लेंगे यहाँ पर एक बर्तन में। बैटर को अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अगर आप देखें तो बैटर का कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है, क्योंकि जो हमने मैंगो इस्तेमाल किए थे उनका नेचुरली कलर बहुत ही बढ़िया था। तो इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इस बैटर को हम क्या करेंगे, ढक देंगे और ढक कर लगभग 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तब तक के लिए हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो लगभग यहाँ पे 2 बड़े टेबल स्पून मैंने टूटी फूटी ले लिया है। आप चाहें तो अपनी पसंद के यहाँ पे कोई भी नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉप करके बारीक बारीक आप इसमें आलमंड्स वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे जो हमने टूटी फूटी लिया है उसमें 1 छोटी चम्मच हम मैदा डाल देंगे और अच्छे से इसे मैदे से कोट कर लेंगे, ताकि जो टूटी फूटी है वो पूरे केक में अच्छे से दिखे। तो इस तरीके से मिक्स कर लिया, इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ पर हमारे बैटर को भी चेक कर लेते हैं। लगभग 25 मिनट के लिए मैंने बैटर को साइड में रख दिया था। बैटर पहले से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पर इसमें डाल देते हैं बेकिंग पाउडर 1 छोटी चम्मच और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको 1/4 टीस्पून ही डालना है, इससे ज़्यादा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आपको इस रेसिपी में नहीं करना है। 1/4 कप हमने दूध पहले इस्तेमाल किया था बैटर को बनाते टाइम, और 1/4 कप दूध हम इसमें अभी डाल देंगे। हो सकता है दूध की क्वांटिटी आपको 1-2 टेबल स्पून कम या ज़्यादा लग सकती है। जो मैंगोस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितने जूसी हैं उस पर भी डिपेंड होता है कौन सी क्वालिटी का आपने मैंगो इस्तेमाल किया है। तो बैटर को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही कट एंड फोल्ड की मेथड से हमें बैटर को मिक्स करना है। इसमें यहाँ पर हमने कोई भी दही, लेमन जूस या विनेगर का इस्तेमाल नहीं किया है। नॉर्मली जब हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं केक की रेसिपी में, तो उसको एक्टिव करने के लिए हमें कोई खटास वाली चीज़ डालनी होती है, लेकिन मैंगो में एक अपनी हल्की सी खटास होती है, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी हमारा बैटर बहुत ही फ्लफी और एकदम लाइट बना है। तो हमें इसमें कोई भी विनेगर, दही या फिर हमें लेमन जूस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब जो हमने टूटी फूटी तैयार करके रखी थी उसे हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें बैटर को बिल्कुल हल्के हाथों से ही आपको मिक्स करना है। और ये बढ़िया सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। और यहाँ पर अब मैंने ले लिया है ये फॉइल बॉक्स। तो मैं इस केक को आज ये फॉइल बॉक्स में बना रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मली 6 इंच का केक टिन ले सकते हैं, उसमें से बना सकते हैं। तो ये फॉइल बॉक्स जो मैंने लिए हैं यहाँ पे, ये 2 लिए हैं और ये 450 ml साइज़ के फॉइल बॉक्स हैं। यहाँ पे जो हमने बैटर तैयार किया है उसमें से इस साइज़ के आप 2 केक बना के तैयार कर सकते हैं। तो इक्वली क्वान्टिटी में दोनों बॉक्सेस में हम बैटर को डाल देंगे। तो टोटल जो हमारा बैटर तैयार हुआ था वो 2.5 कप तैयार हुआ था। तो इसमें मैंने यहाँ पे 1/4 कप बैटर डाल दिया है। थोड़ा सा इसे टैप कर लेंगे और अच्छे से मैं यहाँ पे
थोड़ा सा इसे गार्निश कर रही हूँ टूटी फूटी के साथ, और साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ पिस्ता। अब इस केक को आप चाहें तो ओटीजी में बेक करें या फिर कढ़ाई में, तो मैं यहाँ पे इसे एक केक को बेक करने वाली हूँ ओटीजी में 160 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटेड ओटीजी में। आपको लगभग 35 से 40 मिनट के लिए इस केक को बेक करना होगा। इस केक को बेक करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये सूजी का केक है, तो आप इसे अच्छे से ज़रूर से बेक कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और एक केक को हम यहाँ पर गैस पर बेक करेंगे, जिसके लिए एक बड़े से बर्तन को मैंने यहाँ पे प्री हीट कर लिया है। नॉर्मल खाने वाला नमक डाल दिया है नीचे और एक रिंग डालकर इसे अच्छे से 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया। कोई भी एक प्लेट ले लेंगे और इसे रखेंगे, और उसके ऊपर हमारा ये जो फॉइल बॉक्स है इसे रख देंगे, और इस केक को भी हमें ढक कर यहाँ पर लो फ्लेम पे बेक करना होगा। तो लो फ्लेम पर ही आप इस केक को बेक कीजिए। 35 से 40 मिनट आराम से इस केक को बेक होने में लगेगा, तो बिल्कुल आप इसे 30 से 35 मिनट के बाद एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिए टूथपिक डालकर कि आपका केक बेक हुआ है कि नहीं। तो मुझे इस केक को बेक करने में टोटल 42 मिनट्स लगे थे, और केक काफ़ी अच्छे से हमारा बेक होके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं दोनों केक मैंने अच्छे से बेक कर लिए हैं। ओटीजी वाला जो केक है अगर आप देखें तो उसका ऊपर का जो कलर है थोड़ा सा डार्क हुआ है, और कढ़ाई वाला केक का थोड़ा सा जो कलर है ऊपर से वो डार्क नहीं हुआ है। ओटीजी में जब हम केक बेक करते हैं तो उसे हीट दोनों साइड से मिलती है, ऊपर और नीचे से, इसके लिए थोड़ा सा कलर में डिफरेंस आता है। और जो गैस पर हमने केक बेक किया है अगर आप उसका ऊपर का कलर देखें तो वो बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ है, लेकिन केक काफ़ी अच्छे से हमारा बेक होकर तैयार हुआ है। तो दोनों केक को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे पूरी तरह से। जब आपका केक ठंडा हो जाए तो फिर आप इसे डीमोल्ड करके कट करके इसे सर्व कर सकते हैं। केक हमारे अच्छे से यहाँ पे दोनों ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इसे डीमोल्ड करके चेक कर लेते हैं कि हमारा केक कैसे बना है। अगर आप देखें तो बिल्कुल भी साइड में ये चिपका नहीं, और कोई भी हमने ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं किया था इस फॉइल बॉक्स में। केक को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है, और इसके अंदर का आप टेक्स्चर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, एकदम जालीदार हमारा केक बन के तैयार हुआ है। सॉफ्ट है काफ़ी ज़्यादा केक, एकदम मॉइस्ट बना रहता है लंबे टाइम तक अगर आप इस तरीके से इस केक को बनाते हैं। बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है ये केक, और चाय वगैरह के साथ या कॉफ़ी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। जरूर से इस केक की रेसिपी को आप ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आज की केक की रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।